ने आदरणीय रामेंद्र सिंह मुन्ना भैया इधर भैया दिखो जोरदार है नौजवानी भाई आयोजन इस कार्यक्रम में उपस्थित जी महेश जी भाई सोनू जी सभी सपाने साथियों रमाकांत पासवान जी राजेश पाल जी दीपक पाल जी सभी सम्मानित हमारे पिता तो बुजुर्गों नौजवान दोस्तों इमली पर सम्मानित करदाता साथियों मुझे पे लंबी चौड़ी बात नहीं करनी है। मैं 14 में भी चुनाव लड़ रहा था 19 में भी चुनाव लड़ रहा था। हमारे साथ चलने वाले लोग कहते थे पाल साहब आपने तो बड़ा काम किया फिर भी लोग वोट आपको नहीं दे रहे हैं तो पूछो भाई किसको वोट दे रहे हैं। तो लोग कैंडिडेट का नाम नहीं जानते थे कह रहे थे हम मोदी जी को वोट दे रहे हैं मोदी की गारंटी पे वोट दे रहे हैं और दो बार हमें जिताने का जहां काम किया है यहाँ पर दो बार हराने का भी काम किया। जिन वायदों के साथ मोदी जी को वोट दिया था वो मोदी जी के पूरे वायदे में कोई एक वायदा पूरा करने का काम नहीं किया। अगर आदरणीय मोदी जी ने कोई एक वायदा पूरा किया हो तो तीसरी भी बार वोट दे देना हमें कोई दिक्कत नहीं है। 15 लाख का वायदा किया था 15 लाख 15 रुपए डाले 2 करोड़ नौकरियां देने का वायदा किया था कोई एक नौकरी देने का काम किया। किसानों की आय दोगुनी करने का वायदा किया था किसी की आय दोगुनी हुई बल्कि 10 किलो यूरिया और डीएपी की बोरी कम हो गई बैठ गई बेटा बस ठीक है। उन्होंने अच्छे दिन लाने का वायदा किया था सबसे खराब दिन आ गया कि नहीं महंगाई बहुत हुई महंगाई की मार आपकी बार मोदी सरकार महंगाई आसमान पे छू रही है। अगर एक भी इतने लोग बैठे हैं एक भी वायदा मोदी जी ने पूरा किया हो तो फिर उनकी गारंटी मान लेना। बताओ कोई वायदा पूरा किया है 2 करोड़ नौजवानों की जिंदगी ये मेरे में एक साथी का फोन पे है मैसेज दिया है कि इस बार हम घूम घूम के नौजवान मोदी जी के खिलाफ प्रचार करने का काम करेंगे कि योगी मोदी ने करोड़ों नौजवानों को ओवर एज करके उनकी जिंदगी बर्बाद करने का काम। अगर सबसे बड़ा धोखा किसी के साथ हुआ है तो इस देश के नौजवानों के साथ हुआ है। इससे भी बड़ा अगर कोई धोखा हुआ है तो किसानों के साथ हुआ है। इससे भी बड़ा कोई धोखा हुआ है तो जवानों के साथ हुआ है। 40 जवान पुलवामा में चुनाव जीतने के लिए मरवाने का काम किया। मैं नहीं कह रहा उन्हीं का उसी समय जो राज्यपाल थे सत्यपाल मलिक जी वो गला फाड़ फाड़ के कह रहे हैं तो उनके खिलाफ भी सीबीआई का ईडी का छापा। भैया कब चेतोगे सब कुछ बिक चुका है बचा केवल तुम्हारे पास एक 13 तारीख आने वाली में चुनाव चिन्ह की बटन दबाने का केवल अवसर बचा है। अगर इस बार भी अगर आप किसी नए चारा में फंस गए तो आप जान लीजिए हम तो ये बताने आए हैं कि देश संकट में है नौजवान संकट में है किसान संकट में है देश की संपत्तियां बिक चुकी हैं संविधान खतरे में है लोकतंत्र खतरे में है फिर कोई मोदी जी कोई नया चारा ढूंढ रहे होंगे इस देश के लोगों को फंसाने के लिए तो आप सबको हमें बताने हैं कि 10 साल में 2 बार फंस चुके हो नौजवान फंस चुका है किसान फंस चुका है जवान फंस चुका है फिर कोई नया चारा ढूंढ रहे होंगे इसलिए नए चारे में ना फंसना इसके लिए राजा रामपाल भूमिन शुक्ला तुम्हें घोषवंत करने आए। चूंकि आप जानते हो जब पहलिया आता है जाल बिछाता है दाना डालता है चिड़िया फंसती है कि नहीं फंसती 2 बार फंस चुके हो तीसरी बार हम चूंकि समझा रहे हैं तो कोई नया चारा ढूंढा जा रहा होगा। हमने भी उन चिड़ियों को समझा दिया है आप समझ लो कि पहलिया आता है जाल बिछाता है दाना डालता है फंस पहुंचाना चिड़िया यही रख रही थी
बहेलिया ने जाल बिछाया, छत दाना डाला, चिड़िया नहीं उतरी तो कहा सुना लगा लगता है कि राजा रामपाल जैसा कोई गुरु मिल गया, इसलिए चिड़िया फंस नहीं रही। तो उसने उसी चारे में चांदी वाला वर्क लगा दिया, चमकीला दाना बना दिया और फिर जाल बिछाया, फिर चमकीला दाना डाला, चिड़िया फंस गई। और वो फंसी हुई चिड़िया कह रही थी बहेलिया आएगा दाना डालेगा फंस बन जाएगा। तो इसलिए कहना चाहते हैं इस बार तीसरी बार अगर आप फंसे तो आपके आने वाली पीढ़ी की जिंदगी फिर गुलामी की ओर चली जाएगी। पूरे देश की संपत्ति दो अमीरों के हाथ में है, इसलिए आपकी खेती भी उसी अमीरों के लिए कमिटमेंट है। वो तीनों को काले कानून फिर आएंगे, डिफेंस कॉरिडोर एक उसका सबूत है कि डिफेंस कॉरिडोर में 400 एकड़ जमीन एक्वायर की गई और उसमें हम लोगों ने यूपीए 2 में जब 9 से 14 में बने थे तो भूमि अधिग्रहण संशोधन बिल 2013 लाए थे, उसी के तहत 4 गुना मुआवजा देने की बात, जिसकी जमीन जाएगी उसको एक को नौकरी देने का वादा, तो 4 गुना मुआवजा किसानों को तो मिल गया 20 लाख के बीघे के हिसाब से, लेकिन वो 400 एकड़ जमीन एक रुपये में 99 साल में अडानी को पूरी 400 एकड़ जमीन, अंदाज लो 400 एकड़ जमीन का सरकार ने पैसा दिया और अडानी को मुफ्त में दे दिया 99 साल के लिए। 10 साल में तो ये हाल है और 99 साल क्या होगा कौन पीढ़ी को पता होगा, तब तक 3 पीढ़ी गुजर जाएगी। इसलिए आपसे निवेदन करने आया हूँ कि इस बार अगर आप दबे, इस बार अगर डरे, इस बार अगर बटे तो निश्चित जानिए कि आने वाले समय में न तो कोई चुनाव होगा, न तुम्हारी खेती होगी, सांस लेने में भी टैक्स लगेगा, कोई चीज का फंड तक में जीएसटी टैक्स ले रहे हैं। तो इसलिए आपसे निवेदन करने आए हैं, इसको अगर कोई बचा सकता है तो दो ही नेता पूरे देश में संघर्ष कर रहे हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भाव जोड़ो यात्रा करके बिना डरे बिना रुके इस थाना साहब को जवाब देते हैं। अगर नजर आते हैं तो राहुल गांधी आते हैं और उत्तर प्रदेश से ही प्रधानमंत्री की कुर्सी का रास्ता जाता है। यहाँ सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए लाल टोपी से उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को खौफ है, अगर किसी नेता से भी डर है तो माननीय अखिलेश यादव जी से डर। जिस दिन से माननीय अखिलेश यादव और राहुल गांधी इंडिया गठबंधन करने का काम किया है उनके खिलाफ सीबीआई जांच शुरू हो गई। तुम सीबीआई जांच कराओ चाहे ईडी भेजो, अब ये तो नेता डरने वाले रुकने वाले नहीं है। आदरणीय मोदी जी आपने पूरे देश को ठगने का काम किया है, आपको गद्दी से उतार कर ये गुजरात भेजने से पहले रुकने वाले नहीं है। तो आपसे निवेदन है कि इंडिया गठबंधन ही नौजवानों का भविष्य सुरक्षित रख सकती है, नौजवानों को सरकारी नौकरी दे सकती है। जितने सरकारी संसाधन अडानी अंबानी को बेचे गए हैं इंडिया गठबंधन की गवर्नमेंट बनते ही सब सरकारी फिर हो जाएगी, सरकारी नौकरियां मिलेगी, किसानों की बेहतरी होगी, किसानों की जमीनें बचेंगी, पूंजीपतियों के चंगुल से देश को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन की चुनाव चिन्ह साइकिल से चुनाव लड़ रहे हैं। आप मेरे बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, मैंने पूरी राजनीतिक जिंदगी में कभी आने वाले का नाम, उसकी जात, उसका दल, उसका धर्म, उसका क्षेत्र कभी नहीं पूछा। हम आने वाले का केवल काम पूछते हैं, सार्वजनिक जीवन में लोगों को जात दल क्षेत्र नजर आते हैं, हमारे कंप्यूटर में गड़बड़, हमें सारे भाई सारे इंसान नजर आते हैं। चूंकि मेरा मानना है कि सारी जातियों के लोग एमपी एमएलए नहीं बन सकते, सारे दलों से एमपी एमएलए नहीं बन सकते, सारे धर्म और क्षेत्रों से एमपी एमएलए नहीं बन सकते, एमपी एमएलए तो एक जात एक दल एक धर्म का बनेगा। सबका काम करने की किसकी जिम्मेदारी होगी, उसकी जिम्मेदारी इंडिया गठबंधन की है, उसकी जिम्मेदारी राजा रामपाल को ऊपर वाले। आज 25-30 साल में कोई करोड़पति अरबपति लखपति हम पर भरोसा करता है कि नहीं करता मैं नहीं जानता, लेकिन 25-30 साल में हमने समाज के उस आखिरी व्यक्ति को भरोसा पैदा कराने में कामयाबी हासिल की है, जिसके पैरों में चप्पल ना हो, शरीर में कपड़ा ना हो, पेट में भोजन ना हो, हमारे पास आने तक के पैसे ना हो, अपनी समस्या कहने के शब्द ना हो,
तो 150 किलोमीटर की रेडियस में 1 करोड़ की आबादी वाले कानपुर नगर देहात में समाज की आखिरी पंक्ति में खड़ा आदमी भरोसा करता है। अभी राजा रामपाल को टेलीफोन करेंगे, मदद हो जाएगी, अभी चले जाएंगे, मदद हो जाएगी, ये भरोसा समाज के उस अंतिम व्यक्ति को, हमारे शरीर की अंतिम सांस तक कायम रहेगा। इसी के साथ आपसे निवेदन करने आए हमारी आज संविधान संकट में है, लोकतंत्र संकट में है, पूरे देश के दलित समाज के लोग समझते थे कि बहन जी को संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए इंडिया गठबंधन में आना चाहिए, लेकिन बहन जी डर गई, और जो डर गया वो डर गई। लोग बाग सोचते थे जब सूचना जारी हो जाएगी तो बहन जी आ जाएगी। बहन जी क्या अकेले तानाशाह सरकार से लोकतंत्र की रक्षा कर सकती है? नहीं कर सकती है। इसलिए साथियों मैं कहना चाहता हूं, अगर लोकतंत्र सुरक्षित होगा, संविधान बचेगा तो बहन जी बचेंगी। इसलिए ये चुनाव बटने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव एकजुट होकर के इस तानाशाह को गद्दी से उतारने का चुनाव है, संविधान बचाने का चुनाव है। इसलिए जब से इंडिया गठबंधन बना है, हमसे बड़ा बसपाई कोई नहीं होगा, हमसे बड़ा कांग्रेसी भी कोई नहीं, समाजवादी पार्टी से हवाई है, तो ये चुनाव देश को बचाने का चुनाव है, ये बटने का और डरने का चुनाव नहीं है। इसलिए हम सबसे अपील करने आए हैं कि आप सब मिल करके बिना डरे बिना बटे एकजुट होकर के देश को संविधान बचाने के लिए चुनाव चिन्ह समिति के सामने वाली बटन दबाकर अपने नाते रिश्तेदार भाइयों को 1 महीने अपने घर में नहीं बैठना, देश को बचाने का काम करोगे, आने वाली पीढ़ी निश्चित तौर पर याद करेगी। इसी के साथ सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद चाहिए।